हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति श्रीवास्तवा। टुडे आई एम गोइंग टू टीच द पेडागोजी ऑफ साइंस यूनिट थर्ड। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेरियस टाइप्स ऑफ मेथड्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने लेक्चर मेथड पढ़ा था कि लेक्चर मेथड होता क्या है। आज हम डिस्कस करेंगे डेमोन्स्ट्रेशन मेथड मतलब प्रदर्शन विधि, और लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड मतलब व्याख्यान प्रदर्शन विधि। पहला हम लोग डिस्कस करते हैं डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, प्रदर्शन विधि क्या होता है। बच्चों, ये नाम से क्लियर है, किसी भी चीज को दिखा करके सिखाना मतलब उसको प्रदर्शित करके सिखाना। इसमें होता क्या है कि अगर कोई भी टॉपिक हमें पढ़ाना है, एग्जांपल अगर हमें सोलर सिस्टम बच्चों को पढ़ाना है, तो अगर हम उसको लेक्चर देके सोलर सिस्टम पढ़ाएंगे तो बच्चा सोलर सिस्टम के वर्किंग को नहीं समझ पाएगा। बट अगर वही हम एक उसको कोई मॉडल दिखा दे सोलर सिस्टम का, तो बच्चा जब देखेगा तो चीजों को वो समझेगा। और ये जो मेथड है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, ये साइंस के लिए बहुत ही यूजफुल है। इससे बच्चे बहुत जल्दी गेन करते हैं चीजों को, बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड क्या है? टू वे प्रोसेस है। क्यों टू वे प्रोसेस है? क्योंकि बच्चे देखते हैं और टीचर से क्वेश्चंस पूछते हैं, मतलब उसमें टीचर भी एक्टिव मोड में रहता है और बच्चा भी एक्टिव मोड में रहता है। दूसरा इम्पोर्टेंट मेथड है, क्योंकि साइंस ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें लैब प्रैक्टिकल वर्क ज्यादा होता है, तो बच्चे देख करके ज्यादा सीखते हैं। नेक्स्ट, फ्रॉम कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट। अब इसका मतलब क्या है फ्रॉम कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट का? मैं बताती हूँ। कॉन्क्रीट मतलब मूर्त और अब्स्ट्रैक्ट मतलब अमूर्त। मूर्त मतलब देखना और अब्स्ट्रैक्ट मतलब बिना देखे हुए। अब इसका मतलब क्या है कि ये मूर्त से अमूर्त की ओर कैसे जाता है? मूर्त मतलब अगर हम कोई बच्चा है अगर वो चीजों को देख रहा है, देख करके उसके बारे में एनालिसिस कर रहा है कि हाँ, जैसे ये मान लो एक स्टिक है, तो वो देख रहा है कि यहाँ पे नुकीला है, यहाँ पर राउंड है, तो वो चीजों को देख करके अपने माइंड में एनालिसिस कर रहा है कि ये चीजें हैं। और अब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है कि बिना देखे अपने मन में किसी चीज को बनाना कि अरे ये ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। तो बच्चा जब मॉडल को देखता है किसी मॉडल को, तो वो देखेगा, फिर जब वो पढ़ लेगा, जब उसकी स्टडी खत्म हो जाएगी, फिर वो अपने दिमाग में एनालिसिस करेगा ये ऐसा हुआ था, ये ऐसा हुआ था। इसलिए मेथड फ्रॉम कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या है कि यदि कक्षा में अध्यापक को पोटेशियम परमैंगनेट यानी KMnO4 से ऑक्सीजन बनाने की विधि का प्रयोग प्रदर्शित करना है, अगर ये चीज उनको करना है कि पोटेशियम परमैंगनेट से ऑक्सीजन कैसे बनाया जाएगा, तो टीचर डायरेक्ट बच्चे को ये विधि नहीं बता सकता, ये मेथड्स नहीं बता सकता कि ऐसे ऐसे करेंगे तो ये पोटेशियम परमैंगनेट से ऑक्सीजन बन जाएगा। वो करके दिखाएगा यानी प्रदर्शित करके दिखाएगा, तो बच्चे अधिक अच्छे से सीखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा मेथड है वो है लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड मतलब व्याख्यान प्रदर्शन विधि। ये विधि क्या है? नाम से ही क्लियर है। हमने प्रीवियस लेक्चर में हम लेक्चर मेथड पढ़ चुके हैं और अभी हम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड पढ़े, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। मतलब इसमें हम चीजों को दिखाते भी हैं और लेक्चर भी देते हैं कि ये ऐसे है, ये ऐसे है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है साइंस के लिए। यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। ये भी कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट जाता है, मतलब मूर्त से अमूर्त की ओर जाता है। फिर से हम बता दें, मूर्त मतलब कोई चीज देख करके उसके बारे में सोचना, दिस इज द कॉन्क्रीट थिंकिंग, और बिना देखे किसी चीज के बारे में एनालिसिस करना, दिस इज अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। तो ये मेथड भी कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट जाता है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाता है, मतलब पहले बच्चे समझते हैं देख करके, फिर धीरे धीरे टीचर उस चीज को आगे स्टेप बाय स्टेप उसको टफ करते जाता है। और ये भी क्या है? टू वे प्रोसेस है। थैंक यू।